हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल रियल टाइम में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अजमेर से दिल्ली सराय रोहिल्ला जन शताब्दी एक्सप्रेस के बारे में। तो दोस्तों, अजमेर दिल्ली सराय रोहिल्ला जन शताब्दी एक्सप्रेस जिसका नंबर 12065 है, जो सप्ताह में 5 दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार तथा शनिवार को अजमेर से चलती है। यह अजमेर से दिल्ली सराय रोहिल्ला के बीच 374 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे 55 मिनट में पूरा करती है। इसके बीच यह 8 स्टेशनों पर रुकती है। इसमें सेकंड सीटिंग तथा एसी चेयर क्लास के कोच लगे हैं। अगर मैं किराए की बात करूं तो अजमेर से दिल्ली के बीच सेकंड सीटिंग का किराया 175 रुपये तथा एसी चेयर क्लास का किराया 590 रुपये है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेन किन किन स्टेशनों पर व कब कब रुकती है। तो दोस्तों, अजमेर दिल्ली सराय रोहिल्ला जन शताब्दी एक्सप्रेस जो अजमेर जंक्शन से सुबह 5:40 पर रवाना होती है तथा इसका पहला स्टेशन है किशनगढ़, सुबह के 6:09 पर पहुँचती है तथा 6:10 पर रवाना होती है। यहाँ पर इसका 1 मिनट का ठहराव है। इसके बाद यह पहुँचती है फुलेरा जंक्शन, सुबह के 6:53 पर तथा 6:55 पर रवाना होती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का ठहराव है। इसके बाद यह पहुँचती है रिंगस जंक्शन, सुबह के 7:46 पर तथा 7:48 पर रवाना होती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का ठहराव है। इसके बाद यह पहुँचती है नीम का थाना, सुबह 8:20 पर तथा 8:22 पर रवाना होती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का ठहराव है। इसके बाद यह पहुँचती है नारनौल, सुबह के 8:57 पर तथा 8:59 पर रवाना होती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का ठहराव है। इसके बाद यह पहुँचती है रेवाड़ी जंक्शन, सुबह के 10:08 पर तथा 10:10 पर रवाना होती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का ठहराव है। इसके बाद यह पहुँचती है गुड़गांव, सुबह के 10:46 पर तथा 10:48 पर रवाना होती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का ठहराव है। दिल्ली कैंट दोपहर के 11:04 पर तथा 11:06 पर रवाना होती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का ठहराव है। इसके बाद इसका लास्ट स्टेशन है दिल्ली सराय रोहिल्ला, यहाँ पर यह दोपहर के 11:35 पर पहुँचती है तथा अपनी यात्रा को पूरा करती है।